दोस्तों, आपने YouTube पे कई सारी वीडियो देखी होगी कि ग्रीन टी पीने से वेट लॉस होता है। आप ग्रीन टी पीजिए, 10 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में 5 से 10 किलो वजन कम करिए। और यही देख के आप ग्रीन टी लेके आए होंगे, आपने पी होंगी, और काफ़ी लोगों का वजन कम नहीं हुआ है, बहुत लोगों का नहीं हुआ है, हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं फिर ग्रीन टी से वजन कम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको गलत साबित कर सकता हूँ। अगर आप ये इस वीडियो देखेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखी हो, इस छोटी सी डाइट को फॉलो करा, तो आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि बता दूं मैं क्या बता रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको पता लग जाए देखने लायक वीडियो है या नहीं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रीन टी में एक्चुअली नेचुरल कौन कौन से केमिकल होते हैं, और वो हम जाते हैं तो किस तरह से मैकेनिक्स, उनका क्या मैकेनिज्म है, वर्क करता है, किस तरह से फैट को गलाते हैं, क्या करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। ग्रीन टी कब पीना जरूर है, उसका टाइमिंग भी होता है, और उसके साथ साथ छोटी सी आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर देंगे डाइट में, तो ग्रीन टी अगर पियेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा आपके वेट लॉस में। और केवल वेट लॉस में ही नहीं, ग्रीन टी जो पीने से जो फायदा होता है वो ओवरऑल बॉडी को भी हेल्दी करता है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज जरूर देखें। दिस इज अभिषेक चौहान एंड वेलकम टू केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस। सबसे पहले बता दूं ग्रीन टी में होता क्या है। देखिए, ग्रीन टी में कुछ नेचुरल केमिकल होते हैं जो कि बहुत अच्छे, जिसको कहते हैं हम फ्लेवोनॉइड और कैफीन, ये आपने सुने होंगे। ये क्या करते हैं, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इवेल्यूएट करते बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ फैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, और उसके साथ साथ इंसुलिन को भी मेंटेन करते हैं। अब बता दूं कि आपके मेटाबॉलिक रेट को कैसे बढ़ाते, होता क्या है। देखिए, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों का कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा खाना खाते हैं लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता, और कुछ लोग ऐसे जो थोड़ा सा ही खाना खा लेते, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो थोड़ा सा भी खाना खा ले तो उनका बहुत सारा वेट बढ़ जाता है। और ये आपने सुना होगा, ये डिपेंड करता है उनका मेटाबॉलिक रेट से। वो लोग जिनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो उनका वजन बहुत कम बढ़ता है, और वो लोग जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो उनका बहुत तेजी से वजन कम करता है। तो ग्रीन टी पीने से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, जिसके कारण वेट लॉस करने में आपको मदद मिलती है। उसके साथ ये फैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी करता है। फैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या करता है, आपकी जो चर्बी रहती है ना, खैर मेरी तो नहीं है, आपकी जो चर्बी रहती है वो एक एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है। तो क्या करता है, फैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस उस फैट को गला के छोटे छोटे पार्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। ये होती है फैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और उसके साथ साथ इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन करता होगा। इंसुलिन आपने सुना होगा शुगर के पेशेंट से कुछ रिलेटेड है। एक्चुअली इंसुलिन क्या होता है, एक तरह का हार्मोन्स होता है जो कि पैनक्रियास सिक्रेट करता है, और वो क्या करता है, बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ना ज्यादा होने देता ना कम होने देता। इसलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे डायबिटीज होने के बाद मोटे हो जाते हैं, या फिर डायबिटीज होने के बाद पतले हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन भी एक ऐसी चीज है जो फैट लॉस और फैट गेन करने में बहुत ही कारीगर है। इसलिए अगर आप ग्रीन टी पियेंगे तो ये जो है आपका इंसुलिन हार्मोन्स ये मेंटेन रहेगा, और उसके कारण आपके बॉडी को फैट बढ़ने नहीं देगा। ये चीज होती है। अब बात आती है कि बॉडी में फैट कम कैसे होता है। देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि आपके बॉडी में फैट स्टोर्ड है। आप क्या करते हैं, सुबह से शाम तक वर्क करते हैं, मान लीजिए 2000 कैलोरीज की आपको जरूरत है। अब 2000 कैलोरीज की जरूरत है आपको, और आपने खाली 3000 कैलोरीज खाली, मैं बताता हूँ कैलोरीज मतलब क्या, खाली, तो आपने 2000 की जरूरत है, 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाली, तो 1000 कैलोरीज क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी फैट में, और उसके ऊपर लेयर के ऊपर बढ़ती जाएगी। अब बात आती है हम किस तरह से उस फैट को कम करें। देखिए, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज इतना करना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज को कट करना है अधिक से अधिक, एकदम से नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज क्या, जैसे रोटी हो गई, मैदा हो गया, और फिर ब्रेड हो गई, और फिर वो वाली चीजें जिससे आपको कार्ब मिलती है, जैसे आप बिस्किट भी खाते हैं तो उसके पीछे रहता है कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम में 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये सब लिखा रहता है। तो वो वाली चीज जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं उसको आपको कट करनी है। इसको कट कैसे करें, कहते हैं 2 से 3 बजे के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लिक्विड चीजें खानी चाहिए। खैर, वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आप किस तरह का काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, सर्विस वाला है तो वो अलग है, वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिटिंग वर्क है, हाउस वाइफ है, या फिर बाहर भी काम करते हैं, तो जगह ज्यादा भागा दाड़ी का नहीं काम है, तो ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते, तो फिर आप कट करके, और रात को तो वैसे किसी को भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज ज्यादा खानी ही नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, मतलब रोटी वगैरह ये वाली चीज बहुत कम करिए, वो वाली चीज देखिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए, हो सके तो वे प्रोटीन वगैरह आप ये लीजिए, आइसोलेट वगैरह, और तो फिर आपको इससे फायदा होगा। प्रोटीन वाली चीज जैसे एग्स हो गए, चिकन हो गया, ये लीजिए। अब बात करता हूं मैं ग्रीन टी की। ग्रीन टी में क्या करें आप, एक्चुअली कहते हैं बहुत सारे लोग कि ज्यादा ग्रीन टी पीने से वेट कम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रिसर्च से ये पता लगा है कि अगर आप दिन में 2 से 2.5 कप भी ग्लास
कप, सॉरी ग्लास तो नहीं, कप अगर आप ग्रीन टी पियेंगे तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से हो सकता है। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सुबह उठ के फ्रेश होके घूमने के बाद अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो वर्कआउट करिए, अगर आप नहीं कर पाते हाउसवाइफ है तो प्लीज आप रनिंग करिए या फिर टहलिए, वॉकिंग करिए। करने के बाद अच्छा आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप ग्रीन टी पी लीजिए, शाम को सोने के 1 घंटे पहले आप ग्रीन टी पी लीजिए तो आपको फायदा होगा। अब बात आती है ग्रीन टी बनाते कैसे। देखिए ग्रीन टी बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, लोग बहुत गलत तरीके से बनाते हैं इसलिए उससे भी फायदा नहीं होता है। लोग क्या करते हैं कि पानी को उबालते और उबले हुए पानी में ही ग्रीन टी डाल देते हैं 1 चम्मच या फिर बैग, ऐसा बिल्कुल ना करें। उबालने के बाद उसके 2 से 5 मिनट रहने दीजिए, कुछ लोग तो 10 मिनट तक रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो डिपेंड करता है आपके टाइम में कि कितनी आपके पास टाइम है। कम से कम 5 मिनट तो रहने दीजिए, 5 रहने के बाद थोड़ी गर्म रहेगी तो उसमें आपके आपकी 1 चम्मच डालिए या फिर बैग डालिए और उसके 1 या 2 मिनट बाद पी लीजिए। वो डिपेंड करता है आप कितनी कड़क पीते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर ग्रीन टी रहेगी तो ज़्यादा उसका असर रहेगा, ज़्यादा कड़क हो जाएगी, वो डिपेंड करता है आप पे। उसमें ना ना शुगर मिलाइए ना हनी मिलाइए। देखिए ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग हनी मिलाने का भी कहते हैं बट प्लीज़ ना मिलाइए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वो अलग चीज़ में मिला सकते हैं, पानी के साथ हनी के साथ सिनेमन, वो एक अलग डाइट होती है। बट अगर आप ग्रीन टी का यूज़ करें तो आप ये करके देखिए, इससे फ़ायदा होगा। अगर आप कार्ब कट कर देंगे, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देंगे, एक्सरसाइज करेंगे और ग्रीन टी 2 से 2.5 कप सुबह शाम पियेंगे जो मैंने बताया, तो आपका 2 मंथ में 1 से 2 किलो वजन कम हो जाएगा। आप सोच रही 1 से 2 किलो वजन कम भी बहुत बड़ी बात होती है, और ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात, लेकिन अगर आपका 1 से 2 मिनिमम हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो प्लीज़ आप इस डाइट को ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरी मॉम का भी वज़न कम नहीं हो रहा था, उनकी डाइट में चेंज करा और मैंने ये ग्रीन टी मंगाई है। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन मंगाई है ये, मैं कायोस की मंगाई है क्योंकि मैंने ये दूसरी बार मंगा रहा हूँ और मैंने मदर को ये दी थी फर्स्ट टाइम तो उनको फ़ायदा हुआ था। और अगर आप चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर किसी भी लोकल स्टोर पर भी मिल जाती है। ध्यान दीजिए अच्छी क्वालिटी की लीजिए, अच्छी ब्रांड की लीजिए तो उसकी क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अच्छी ब्रांड की लीजिए। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ये मैंने ली है कायोस की 28 डे डिटॉक्स, स्टोमक इजी टी, हैप्पी टी और स्लीपिंग स्लीप टी और हैंगओवर टी। ये 4-5 तरह के फ्लेवर मंगाए मैंने, क्योंकि क्या होता है कि आप एक ही फ्लेवर सुबह शाम लो तो हो सकता है थोड़ी बोरिंग हो जाए, तो मैंने मदर को 4-5 फ्लेवर ला के दे दिए कि आप पीजिए। और ये कायोस का ब्रांड है, आप लेना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं लेना है, आप दूसरी टी पी रहे हैं तो वो भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हर जगह मिलती है ग्रीन टी, आजकल बहुत ईजी हो गई है। ध्यान रखिए इसका पीने का तरीका यही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, 1 सेकेंड नहीं लगेगा यार। जिनको ज़रूरत है वेट लॉस कम करने के लिए प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्दी वेल्दी वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।